और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए या नहीं, यह मामला अब देश भर में सबसे बड़ी बहस का विषय बन गया है। अदालत ने भी इस पर जवाब मांगा है यूपी सरकार से। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, 16 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजय शर्मा इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी संजय बताएं। इसमें सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये स्वतः संज्ञान लिया है, तो कांवड़ यात्रा पर तो मुझे संकट के बादल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून के बादल भले ना गिर रहे हों, लेकिन कांवड़ यात्रा पर संकट के बादल हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी जगह चर्चा है और इसमें सरकार में भी चर्चा है, सड़कों पर भी चर्चा है। और ऐसे में लोग जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में ढिलाई बरती जा रही है, उसे देखकर तो मुझे लगता है, और जस्टिस पालियस नारीमन की अदालत है और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, तो इसमें मुझे कहीं कोई शक शुभा नहीं लग रहा कि यूपी सरकार को कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे ही पहले कह चुके हैं कि वैक्सीन का टोटा है। और ऐसे में किसी भी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख को ये आदेश हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट आदेश करे कि इस पर बैन लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।